शावेज भी जा रहा है यार, बहुत मिस करेंगे हम। देसी जुगाड़ लगाया है। तो हम लोग ऐसे साफ करते थे गंदम, तो हम ना यहाँ पे आके बैठ जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज माशाल्लाह से 29वां रोज़ा भी है, तो एक रोज़ा रह गया, उसके बाद माशाल्लाह से ईद भी आने वाली है। और अभी दिन के 12 बजे हैं और ऊपर से गर्मी भी माशाल्लाह से अच्छी खासी आजकल पड़ रही है। पता नहीं ईद कैसी गुजरती है, ईद पर ईद के दिनों में तो गर्मी बढ़ जाती है, मज़ीद ना सारा दिन सो सो के गुजर जाता है। मज़ा नहीं आता, नॉर्मल मौसम होना तो फिर मज़ा भी आता है, लेकिन इस बार हम ना मज़े की बनाएंगे ईद, सारी फैमिली इकट्ठी होगी, आपको भी दिखाएंगे, आप लोग व्लॉग लाजमी देखिएगा। तो अभी हमने ना क्या करना है, हमें गंदम साफ़ करनी है। हमारे पास पड़ी है पुरानी गंदम, तो उसको हमने साफ़ करना है क्योंकि हमने उसका आटा बनाना है। और हम पुरानी गंदम क्यों यूज़ करते हैं, वो अभी हम गंदम भी साफ़ करते हैं और आपको उसकी वजह भी बताते हैं। अभी हम लोग ना अम्मा और मैं, यानी कि ये जो हमारी गंदम है ना हमारे पास, ये हम साफ़ करने लगे हैं। और ये पुरानी गंदम है और इसे हमने ना पिसवाना है, आटा बनाना है। और ना जो पुरानी गंदम होती है ना, उसका आटे का टेस्ट ना अच्छा होता है और ना आटे का रोटियाँ सही बनती है, ऐसे ही है ना अम्मा? सुन सुन के ना मुझे भी ये पता चल ही है आखिर। तो अम्मा अभी इसको हाँ तो इस तरह से हम ना इसको छान लेंगे, यानी इसमें से जो घास फूस है ना वो निकल जाएगी गंदम की, फिर ये साफ़ हो जाएगी और फिर हम इसका आटा बनवाएंगे। छोटे होते थे ना हम, तो हम लोग ऐसे साफ़ करते थे गंदम, तो हम ना यहाँ पे आके बैठ जाते थे नीचे आके, सारे सर में भी वो भूसा सा होता था, सारा बंदा गंदा हो जाता था, मार भी पड़ती थी, लेकिन ना इस तरह करने का अपने मज़ा होता था। फिर ऐसे बैठ के ना ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना बैठ के, अब वो सारी आदतें ना ख़त्म हो गई। अच्छा, मुझे तो भाई याद नहीं है, सही बात है, अम्मा बता रही है कि नाले होते हैं जो शलवार में डालते हैं, उसके साथ मेरी टांग बांध के अम्मा मुझे चारपाई के साथ बांध के बैठाती थी साथ, कहना हमें दाने जो है ना ये इधर उधर ना बिखेरे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ 2-3 दिन पहले हमने बनाया था, एक बल्कि बनाया नहीं था, सामान मंगवाया था, सदाकत लोग लेके आए थे दुकान का शेक बनाने के लिए। तो आज वही शेक जो है मिस्त्री को हमने दिया हुआ था, तो वो बन गया। तो मिस्त्री का भी भाई मुनव्वर को कॉल आई है कि आपका जो शेक है वो बॉक्स बनते हैं जिनमें सामान वगैरह रखते हैं, बन गया तो आके उठा लें। तो अभी हम वही उठाने जा रहे हैं, भाई मुनव्वर रेडी करें। ये आज हमने ना देसी जुगाड़ लगाया है, बाइक के ऊपर ना रेडी रखी है, रेडी को बांध दिया है। यार इस तरह रेडी मिल ही नहीं ना यहाँ पे, हाँ वो गंदम का सीजन का, लोग ना बाहर फील्ड में निकल जाते हैं, गंदम ले आते हैं, लोग गाथन चाहते हैं, तो मुझे कोई ना इस तरह की चीज़ मिली नहीं, फिर मैं ये जुगाड़ लगा दिया। मैं इतना बह जाऊँ था लगी जा सी वाह चलो आ के। ये मैं ना ऊपर बैठ गया हूँ इसके रेडी के ऊपर ही, तो ये पास से ही मिस्त्री है, वहाँ से उठानी है तो चली जाएगी ना। पिछे हो गए बाबा भाई, लो जी ओए 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 मॉडर्न दौर आ गया जी, रेडी के साथ में बैल या गधा गाड़ी की कोई जरूरत ही नहीं होती, बस बाइक होनी चाहिए, आगे इस तरह से बांध लो और ये हम बैठे हैं। और जाती भी बड़ी तेज है, ये देखिए हम बहुत तेज तेज जा रहे हैं, बस इतना तो सफ़र था, ये पहुंच गई है सामने दुकान। ये जी हम पहुंच गए हैं जी अपनी दुकान पे, अपनी पे नहीं जहाँ से हमने उठाना, यही वाला है, और ये वाला हमने शेक बनवाया था यहाँ, तो इसके ऊपर तो लगा ही नहीं उसने यार, वो 2 दिन था ना काम हो गई थी, उसने कहा कि अभी तो ईद की छुट्टियाँ दुकानें बंद हैं, हाँ तो वो दोबारा कहता है कि तो ले जाओ वहाँ लगा कर दूँगा। रेडी पे हमने ये रख लिया है जी, और वे चलते हैं घर वापस। आराम ना लागे
नहीं नहीं चलो भाई, मनोहर जहाँ लेके चले गए हैं वो आगे पीछे जा रहे हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर जगह भी नहीं थी और वैसे भी उसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता, ख़राब हो जाएगा। इधर ये सामने ट्रैक्टर मिट्टी उठा के ना घर में डाल रहे हैं तो ऊंची करने के लिए ना, तो क्रेन से उठा रहे हैं जो। हाँ जी, तो अभी हम वापस आ गए हैं लेके। ये रहा जी हमारा शेक, ये अभी बाइक हमने खोलनी है, हमारा जो बैल है ना वो अभी साथ ही बांधा हुआ है, इसको छोड़ना है, इसको फिर दुकान में फिट करेंगे। पहले जो है दुकान खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ना उसमें जगह भी नहीं है इसको डायरेक्ट घुसाने की, तो पहले दूसरा निकालेंगे फिर ये फिक्स करेंगे। तो भाई लियाकत जो है अभी फिर जा रहे हैं जी अपने ससुराल, और भाभी को भी शायद मैं भी छोड़ के आए या शायद वापस आ जाएँ, अभी कन्फर्म नहीं है। तो वही गाड़ी निकाल रहे हैं, शावेद भी जा रहा है यार, बहुत मिस करेंगे हम। सीना इतना है ना खारिश होने लग गई है ना, एक तो मैं वो सन ब्लॉक लगाना फिर भूल जाता हूँ, लगाया ही नहीं है। भाई लियाकत लोग किधर गए हैं, ससुराल गए हैं? हाँ। वापस आना है या कोई ना? आज तो शायद ना मैं कल आऊं। शावेज भी आ जाएगा वापस? नहीं वापस कल आवे। ईद तो इधर ही करेंगे ना? हाँ ईद तो घर आ करे सब फिर अच्छी तरह से खान पे ही है। अच्छा खान आ गई, फोन करेंगे नहीं ना दिन इंसान मिल जाओ भाई मिलन पे वही नहीं तो मैं वापस आवे थी, हो सकता है क्यों यहाँ जावे तो कोई पता नहीं। वही ना मैं उधर से पहुंचा हूँ ना शेक उठा के, इधर से भाई लिया कर लोग निकल रहे थे, देख के तो मैं गया था कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने आज नहाना क्योंकि आज थोड़ा सा काम की ना, वो कहते हैं स्पीड अच्छी खासी चढ़ी है और टाइम आज गुजर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है, ऊपर से गर्मी ने बंदे को सताया हुआ है, हम हैं जी गर्मी के मारे हम क्या करें। तो भाई लियाकत लोग भी ऊपर से चले गए हैं, पहले शावेज के साथ में बंदा टाइम पास कर लेता था वो भी नहीं है, शायद मैं भी कल या रात को आ जाए या कल आ जाए, वो तो जब आएंगे तो अब दिखाएंगे लेकिन आज की वीडियो में वो नहीं है। तो अभी मैं नहा लेता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो मैंने नहा लिया है, नहाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, और नहाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा सच्चा है रोजाना नहाता हूँ तेरी तरह नहीं है। हाँ मुझे पता है जो तू नहाता है। अच्छा ये देख अभी कपड़े चेंज ही किए हैं, पहले कौन से पहने हुए थे मैंने? अच्छा अभी मैंने ना ये देने हैं जी, जो हमने पहले दाने साफ़ किए थे ना गंदम के, तो दुकान पे देने हैं भाई मुनव्वर को के जब चक्की चलेगी ना शाम के टाइम, तो ये पीसने के लिए देने हैं, फिर शाम के खाने में रोटियां यही दाने बनाएंगे। तो इनको थोड़ी देर के लिए धूप पे रखा था, वैसे मज़ा नहीं हो गया, खुश होने के लिए रखा था ताकि गर्म भी हो जाए ना, तो फिर ये ड्राई अच्छा आटा अच्छा बनेगा। तो इनको नहीं इसलिए रखते ना, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा है तो कीड़ा मकोड़ा भी निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। इसमें से कैसे भाग के निकलेगा? नहीं पहले वैसे पड़े हुए तेरा भी डाल के रख, जा ले जा चल नौकर। अच्छा एक बात मुझे और याद आई, क्या आके बताता हूँ चल नौकर। ओ इसमें मिक्स ना कर बाकी, बताऊंगा ना उन्हें, बता तुम इधर दिखा। ये जी शॉप ना ठीक हो रही है, ये वाला पुराना निकाल दिया नया लगा दिया, ये देखें जी वाह जी वाह क्या वाह, कुछ सीन इस तरह से हैं अभी ये सारा, इसी तरह दूसरा भी मैं तो कहता हूँ बनवा ले। छोटा फिर क्यों बनवाया? ये पुराना है ना लकड़ी वाला हा? छोटा फुल बनवाना था यहाँ तक, वही ना ये यहाँ तक मैं तरतीब से सारा यहाँ तक लग जाना लेवल की बन जाए। ये राड पड़ा ना, ये राड लटका दूंगा ना इसके ऊपर ना साशे वगैरह लटका दे। हाँ ये भी है ये सामने। अच्छा वो दाने आए पड़े इधर वो पिसने हैं तो मिक्स नहीं करना, ये काम खत्म कर लेता उसके बाद, वो तो लड़के नहीं पिसने हैं ना बता रहा हूँ मैं, सर चला दूंगा तो चलाएगा नहीं तो वैसे। अच्छा वो मिक्स नहीं करने, अम्मा बार बार यही कह रही थी कि मिक्स नहीं करने स्पेशल दाने बनाए हमने। ठीक है आ भाई आ तुझे वो बात बताऊँ अभी मैं बताने जा रहा हूँ जिस ताकत को एक बात मैंने आ तुझे बताता हूँ बड़ी जरूरी बात है तो मुझे बात चल बता ही लेता हूँ।
अभी मैंने लगाना है सन ब्लॉक, धूप बहुत पड़ रही है भैया जी बात थी। कल भी नहीं लगाया था, आज अभी मैंने ना चलो लगा लेता हूँ, उसके बाद ना मैंने करने हैं कपड़े अपने इस्त्री, वो भी ईद के, अब मैंने ना गिले करके रख दिए, वो कहती है कि अब इस्त्री कर लो। अब मजबूरन करने पड़ेंगे नहीं तो उनमें से स्मेल आएंगी। अपने हो सकता है कल ईद बन जाए, क्यों 29 रोज अभी तो हो सकते हैं, कहते थे जुमेरात या जुमे को ईद बन सकती है। हाँ तो सऊदीया में तो हम एक दिन बाद में नहीं पढ़ते ईद, दोनों एक दिन भी पढ़ सकते हैं, तो आज शायद कल है सऊदीया में, कल है सुना है मैंने। चले फिर तो अपने कपड़े इस्त्री कर ले, ठीक है ना, फिर हम परसों पढ़ लेंगे, अपने कपड़े इस्त्री कर ले, हाँ खराब हो जाएंगे, स्मेल आएगी, तो मैं भी अभी अपने कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ और उससे पहले सन ब्लॉक लगा लेता हूँ। वैसे इसका एक फायदा होता है, जब लगा लो ना तो ठंडा ठंडा फील होता है और धूप नहीं लगती, धूप ये जो स्किन जला देती है, वैसे ऐसी चीज़ के लिए देखा ठंडा जो फील होता है ना, है तुम्हारी बड़ी सिल्की स्किन तो बचा रहा है, तो ख्याल करेंगे तो बनेंगे। ऐसा मुंह मेरा होता ना तो मैंने कोई लगाने थी, शुक्र कर तेरे पास है नहीं ऐसा, नहीं तो बहुत बुरा लगता। हाँ तेरा मुंह बुरा, अच्छा मैं कह रहा हूँ तू वैसे बहुत बुरा है। बस बस माय मिस्टेक। ये मैंने कपड़े निकाल लिए गीले हुए पड़े, अम्मा ने नए कर दिए, कल कर लेते, ताकत की ताकत के दूसरे, तो मैं अपने कर लेता हूँ, ताकत फिर अपने कर लेगा, और इसके बाद फिर अफ्तारी का सामान भी लेने जाने, तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, आज काम भी काफ़ी ज़्यादा है और भी काफ़ी काम है करने वाले जो मैं आपको ब्लॉग में फ़िलहाल नहीं दिखा रहा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे जल्द दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह सब कुछ कर लें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।